एवरीवन, मैं हूं अलीशा और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एलीज वंडरलैंड में। आज मैं बनाने जा रही हूं अटारी पनीर। ये पनीर की रेसिपी मैं अचार के मसालों के साथ बनाऊंगी, तो आइए देखते हैं इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 pinch हींग, 1/2 cup दही, बारीक कटा धनिया पत्ता, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। सौंफ 1 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून, सरसों 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून और जीरा 1/2 टीस्पून। 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और 200 ग्राम पनीर के टुकड़े। मैंने टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम एक तवा लेंगे और उसमें सारे मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। अच्छे से ग्राइंड कर ले। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के गर्म होने पर हम उसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल में 1 pinch हींग, हल्दी पाउडर और अचारी मसाला डालकर अच्छे से उन्हें भून लें। याद रखें, मसाले भूनते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम लो रखें। अब हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर और पेपर पाउडर। मसाले भुनने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से तब तक चलाते रहें जब तक मसालों से ऑयल ना छूटने लगे। मसाला अब ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे कर्ड। आप कर्ड की जगह पे क्रीम भी यूज कर सकते हैं। कर्ड मिलाने के बाद इसे अच्छे से लो फ्लेम पर चलाते रहे। अब इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी की मात्रा यूज करें। अब इसमें पनीर के टुकड़े डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब थोड़ा गरम मसाला ऐड करें। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालें और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढक के थोड़ी देर रख दें। अब आप देख सकते हैं अचारी पनीर बनकर तैयार है। इसे अब हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।